गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्वाति ब्लॉग्स में स्वागत है। दोस्तों, कल हम लोग गए थे नगर निगम में, तो बोले थे सुबह में आइएगा, सुबह में बात होगा। तो आज हम लोग जा रहे हैं, देखिए क्या करते हैं, देते हैं कि नहीं और कितना चालान कटता है। तो चलिए चलते हैं वहाँ। वो लोग बोले थे 10 बजे से पहले आइएगा, तो 9 बजे में 5 मिनट कम हो रहा है, तो हम दोनों लोग अब जा रहे हैं स्वाति ब्लॉग्स। सुबह सुबह ही निकल रहे हैं, देखिए सूर्य भगवान भी निकल गए। तो चलिए अब हम लोग भी निकलते हैं यहाँ से। तो हम आ चुके हैं नगर निगम ऑफिस में, देख सकते हैं। चलिए अंदर चलते हैं और बात करते हैं, देखिए क्या बोलते हैं। हम अपना आधार कार्ड ले लिया है, कल बोले थे आधार कार्ड ले लीजिएगा, इसका 2 कॉपी करा दें। चलिए अंदर बताएंगे। चल यही स्टॉल है दोस्तों। और ये रही स्वाति, देखो इधर लोग वेट कर रहे हैं, वो आएंगे तो हम लोग अपना स्टॉल की बात करेंगे। तो वहाँ पे हम लोग अपना स्टॉल तो देख लिए और वो लोग बोले हैं कि एक आधार कार्ड का 2 कॉपी लगेगा और एप्लीकेशन लिखना है। तो हम लोग आए हैं पेपर लेने और आधार कार्ड तो लिए थे, बस उसका जीरोक्स करवा लेते हैं। ये देखिए निकाल रहे हैं घर आधार कार्ड का 2 कॉपी कराने और एक वो सादा पन्ना ले लेंगे एप्लीकेशन लिखने के लिए और कॉलम चाहिए। फोटो भी चाहिए? नहीं ना, नहीं ना, सिर्फ आधार कार्ड बोले ना। हम लोग यहाँ से जीरोक्स कॉपी तो करवा लिए, तो चलिए निकलते हैं और चलते हैं नगर निगम ऑफिस। ये देखिए ले लिए और 2 सादा पेज भी ले लिए हैं एप्लीकेशन लिखने के लिए। दोस्तों देखिए हमारा काउंटर मिल गया, ये देखिए ये रहा हमारा काउंटर और इसमें हम लोग सामान देख लेते हैं सब सही है कि नहीं। ये देखिए सही है, गिरा नहीं है कुछ, सब सामान सही है, कुछ इधर उधर नहीं हुआ। हम लोग सोच रहे थे सब तेल उल गिर गया होगा इधर उधर, लेकिन कुछ नहीं हुआ, सब सही है। तब हम लोग जा रहे हैं गाड़ी बुक करने, फिर ले जाएंगे। टेबल नहीं मिला अभी, तो बोले हैं ना अंदर जाके बात करने के लिए। जा रहे हैं, तो चलिए अंदर हम लोग जाके बात कर लेते हैं कि टेबल ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा, देखिए कहाँ रखा गया है। लेकिन काउंटर में हर कुछ सही है, कुछ इधर उधर नहीं हुआ है। हम सोचे थे कि तेल उल गिर जाएगा, हम भी यही सोचे थे। हम सोचे थे ना सब बेसन मसाला सब बर्बाद हो गया होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ, सब सही है। तो चलिए हम लोग निकलते हैं, गाड़ी कर लेते हैं और टेबल का भी पता लगा लेंगे। तो चलिए अब हम लोग जा रहे हैं कोई गाड़ी ढूंढने जिस पे हम लोग का स्टॉल जाएगा। स्टॉल तो निकलवा लिए, बस ले जाना है। निकाल कर बाहर ही रख दिया है हम लोग, अब जा रहे हैं गाड़ी करने। अब यहाँ से अभी गाड़ी भी ले जाने में पैसा लगेगा, देखिए कितना लगता है। तो चलिए पहले ढूंढते हैं गाड़ी, यहाँ से कहाँ ले जाएगा, जाएगा घर के 80 घाट। यही नहीं समझ में, 80 घाट ले जाएं फिर, अगर ले जाएं 80 घाट ले चलते हैं ताला नहीं बंद करेंगे, और 80 घाट फिर ले जाएंगे तो फिर ताला, ठेला नहीं मिलता है तब तक यही चलाते हैं। हाँ हम लोग सोच रहे हैं ठेला लेने के लिए, जब तक ठेला नहीं मिलेगा ना तब तक यही चलाते हैं। अरे यार फिर 80 घाट ले जाएंगे ना, तो फिर लेकर भाग जाएगा, तब लेकर आ जाएगा। ताला बंद नहीं करेंगे तो दूसरा कोई हटा देगा ना, ताला बंद ना कर दिए थे। चौक अब तो सीकर तो सब टूटे दिया है, सीकर ताला टेबल सेबल सब ताला बंद नहीं करेंगे। चलो बंद, चलो पहले तो चलिए पहले गाड़ी ढूंढते हैं। दोस्तों हम लोग को गाड़ी मिल गया, हम लोग लेके जा रहे हैं नगर निगम के ऑफिस में, देख सकते हैं पीछे में गाड़ी आ रहा है, वही गाड़ी है ले जा रहे हैं हम लोग 80 घाट। वो देखे पीछे पीछे आ रहे हैं आगे नगर निगम, लोड हो गया हम लोग का काउंटर, अब लेके चलेंगे हम लोग 80 घाट। इसको हम पहुंच चुके हैं 80 घाट और हमारा स्टॉल भी आ गया है। देखिए ये भैया ना पहले से आ गए हैं, ये देखिए लेके यहाँ पर हैं, यहाँ पर चलिए इनका ना पेट्रोल खत्म हो गया था, इनका इतना गंदा आदत है ना, बोलते हैं पेट्रोल ले लीजिए लेकिन ना नाप तोल के लेते हैं, खत्म हो गया था। बाइक को ना पैदल लेके गए, भरा के लाए फिर लेके आ रहे हैं, इसी वजह से लेट हो गया। इनको हमेशा बोलते हैं पेट्रोल एक्स्ट्रा रखा कीजिए, लेकिन नहीं रखते हैं, देखिए इनको। अरे हम हमेशा अपने चक्कर में हमको भी फंसाते हैं। तुम तो बैठी थी ना, तुम हमारे साथ पेट्रोल पंप गई थी, अब ले लेते तो ज्यादा लगता है पेट्रोल पंप, पेट्रोल में ज्यादा लगता है। हम बोलते हैं कि लेने से ज्यादा पेट्रोल रहेगा तो ज्यादा तो लेगा नहीं, उतना ही लेगा, तो ये एक्स्ट्रा रखना चाहिए। हाँ नगर निगम बुला दी। चलिए हम लोग अपना स्टॉल लगाते हैं, काफी यहाँ तो
हम लोग का आ गया स्टॉल, ये देखिए अब उतरेगा, सब लोग भैया लोग हैं मिलके उतरवा देंगे। आइए गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़ा उतारिए ना ब्रेड पकौड़ा, हम लोग का काउंटर उतर चलिए 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 भैया गए अपने गाड़ी लेके, तो हम लोग अपना काउंटर लगा देते हैं यहाँ पे। दादा तुरंत गए अपने स्कैनर हटाए, अब आ गया दुकान, बहुत परेशान हुए हैं दादा। ये देखिए दादा का ताजा ताजा अमरूद, दादा का एकदम ताजा ताजा अमरूद आता है, मसाला लगा के बहुत अच्छा बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अपना काउंटर तो लगा दिए, ताला लेकिन बंद नहीं किए हैं, तो चलिए अब हम लोग निकलते हैं घर ही। तो हम लोग अपना स्टॉल पहुँचा के आ गए और रात के टाइम ना दुकान का भी सामान ले लिए हैं, सब्जी उब्जी, क्योंकि कल दुकान खोलना है, तो आलू और चटनी का सामान खत्म हो गया था तो ले लिए हैं। देखिए लिए हुए आलू भांटा और धनिया ले लिया है, आप लोगों के लिए भवरा के साथ में मिर्चा ले लिए हैं, अदरक ले लिए हैं, बैगन हम लिए हैं ना कि पत्तल लाए हैं, दाल चावल बैगन आलू का सब्जी बनेंगे। पागल है बैगन आए तो पत्तल खाएगी, पैसा बर्बाद करेगी 3 रुपए। बाहर से आने के बाद थोड़ा देर आराम कर रहे थे, लेकिन अब आ चुके हैं किचन में और देख सकते हैं हम खीर बना रहे हैं, क्योंकि दूध हमारा बच गया था तो उसी का खीर बना रहे हैं। हम ऐसा बोलते रहते हैं पीती नहीं, ये बच गया था सोचे खीर बनाते हैं खा लेंगे। और सुबह में हम बनाए थे आलू पराठा, तो पराठा तो है यहाँ पे देख सकते हैं, आलू का पराठा है तो यही हम लोग खा लेंगे, खाना नहीं बनाना बस खीर बना ले रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं बर्तन धो रहे हैं, और यहाँ पे कुछ बर्तन धो के रख दिए हैं और वो ना बाबू को खिला रहे हैं, और आइए दिखाते हैं कैसे खिला रहे हैं वो। इसको देखिए बैठा लिए हैं गोदी में, ये भी चुपचाप बैठी है पापा के साथ, देखिए परी को ये खिला रहे हैं, इसको संभाल है। तब तक चलिए हम सारा बर्तन धो लेते हैं, एक तरफ खीर भी हमारा बन रहा है, ये हमारा खीर पूरा बन चुका है, इसको लेते हैं और यहाँ पे हम निकाल लिए कटोरी, चलिए दोनों लोग खीर खा लेते हैं। तो हम जा रहे हैं खीर खाने, और आज हम लोग गए थे अपना काउंटर छुड़ाने, तो काउंटर तो हमारा मिल गया, तो मान लीजिए उसके खुशी में भी ये खीर है। कल हम लोग ना बहुत डर गए थे, इतना कोलेस्ट्रॉल फेंका हुआ था ना कि देख के हम लोग सोचे हम लोग का भी सारा सामान खराब हो गया होगा, लेकिन स्टॉल तो कुछ नहीं हुआ, सारा सामान सही है, लेकिन टेबल हल्का सा टूट गया है, लेकिन सब सही है मान लीजिए। लेकिन वहाँ से ना छुड़वाने में 500 रुपये लग गए हैं, वहाँ 500 का रसीद काटे फिर छोड़े, और वहाँ पे तो 500 लगा सो लगा ही, अब फिर ले आने में वहाँ पे से 80 घाट पे फिर 650 लगा वहाँ से लाने में, समझ लीजिए कितना घाटा हो गया। खैर छोड़िए, अब सोचे हैं ना हम लोग ताला बंद नहीं करेंगे, क्योंकि ताला बंद नहीं रहेगा ना तो कोई भी हटा देगा गाड़ी आने पर, ऐसे भी वहाँ पर काउंटर लॉक रहता है, कोई डर है नहीं, पार्किंग वाले हमेशा रहते हैं। तो सब लोग बोल रहे थे कि ताला बंद नहीं कीजिएगा, अगर नगर निगम वाला गाड़ी आएगा तो हटा दिया जाएगा, तो इसीलिए सोचे हम ताला बंद नहीं करेंगे, वहीं पे रख देंगे, जब तक ठेला का व्यवस्था नहीं हो रहा काउंटर ही चलाते हैं, काउंटर में सामान भी सेफ रहता है, ठेला पे सेफ नहीं रहेगा उतना सारा सामान रहता है। और दोस्तों एक बात तो हम आप लोग से बताना ही भूल गए, हम लोग ऑफिस में गए ना तो काफ़ी देर तक चक्कर काट रहे थे, उसके बाद जब फाइनल सब हो गया तो बोला गया ना कि जाओ ऊपर में सर हैं उन लोग उनसे मिल लो, वो इजाज़त दे देंगे तो निकल जाएगा ठेला। तो हम लोग जब गए तो जैसे हम वहाँ एंट्री किए, हम बोले सर को नमस्ते सर, तो बोले नमस्ते, फिर अंदर गए तो उसके बाद हम चुपचाप थे, तो बोले यूट्यूबर ना, तो हम बोले हाँ, तो हम आपका ब्लॉग देखते हैं, तो हमको बहुत खुशी हुआ। आप लोग जो वीडियो शेयर कर रहे हैं ना, बस इसी का वजह से आप लोग इतना वीडियो शेयर कर रहे हैं, हमारे इतना प्यार दे रहे हैं कि हमारे वीडियो सबके पास पहुंच रहा है, और सोचिए नगर निगम के अधिकारी भी जो हैं वो भी हमारे वीडियो देखते हैं, मुझे बहुत खुशी हुआ, लेकिन हंस भी नहीं सकते थे क्योंकि मेरा ठेला पकड़ा है, कैसे भी मुझे छुड़ाना था। मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों कि हम मुझे इतना सपोर्ट करते हैं और मेरा वीडियो शेयर करते हैं, तो दोस्तों ऐसे ही शेयर कीजिए कि हम कोई भी दुख में पड़ेंगे ना तो वहाँ पे लाखों लोग छुड़ाने के लिए होंगे, बस आपके एक शेयर से हम कहीं भी कोई भी संकट से बच सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि सबके पास पहुँचे और सब लोग हमारे वीडियो को देखें। तो दोस्तों यही रही आज की वीडियो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट बाय।